तो चलिए आज हम 400 रुपए का बाहुबली सैंडविच जो बाजार में मिलता है घर में 40 रुपए से कैसे बनाएं वो ही आज मम्मी अपनी स्टाइल से आपको दिखाएंगी। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। तो स्टार्ट करें मम्मी रेसिपी। आज मैं इंग्लिश ओवन की प्रीमियम व्हाइट ब्रेड से मैं सैंडविच बाहुबली सैंडविच बना रही हूँ। तो आप ये देखिए, ये ब्रेड इतनी टेस्टी और सॉफ्ट है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है और टेस्टी भी और एकदम फ्रेश है। सैंडविच के बनाने के लिए यही ब्रेड चाहिए मतलब, तो इससे बहुत अच्छा बनेगा, अपना टूटेगा नहीं सैंडविच। अब मैं सबसे पहले इसकी स्टफिंग तैयार कर रही हूँ सैंडविच के लिए। ये बारीक चॉप अनियन है वो डाल रही हूँ मैं। ये बारीक चॉप टोमेटोज है, टमाटर वो इसमें डाल दिया मैंने। ये कैप्सिकम है बारीक कटी हुई वो डाल दिया है। ये पनीर क्यूब्स है, ये भी बारीक काट लिया हमने, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये स्वीट कॉर्न है, पार बॉइल कर लिया इसको मैंने, वो मैं डाल रही हूँ इसमें। और इसमें थोड़ा सा मैं ये प्रोसेस चीज है वो डाल रही हूँ। तो मम्मी ये स्वीट कॉर्न जो है वो ऑप्शनल है? हाँ, स्वीट कॉर्न ऑप्शन है, आप खाते हैं और आपके पास अवेलेबल है तो आप डालिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। हाँ। ये वेज मेयोनीज है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, तो 1 से 1.5 स्पून। तो देखिए आप भी सोच रहे होंगे ना कि बाहुबली सैंडविच कैसे इतना आसानी से बन जाएगा। देखिए इसमें मल्टीपल लेयर होते हैं। टोमेटो केचप है वो मैं डाल रही हूँ इसमें। ये रेड चिली सॉस है वो डाल रही हूँ। थोड़ा क्या ये चटपटा होता है ये सैंडविच, तो इसलिए थोड़ा तीखे साइड में बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा ये। और देखिए ये फिलिंग हम बना रहे हैं। तो मम्मी ये एक सैंडविच जो आज हम बनाने वाले हैं इसका नाम ही बाहुबली सैंडविच है। बहुत सफिशिएंट होता है ना? बिल्कुल। बल्कि एक खाएंगे तो पूरा पेट भर जाएगा। पूरा पेट भर जाएगा, आपको किसी चीज की और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सैंडविच के आगे। आप देखिए ये आप मल्टीपल फिलिंग्स बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनता है और बाजार में इतना महंगा मिलता है, पर बनाना है बिल्कुल आसान घर में। अब मैं इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। ये रेड चिली फ्लेक्स है वो थोड़ा सा डाल रही हूँ, तीखा अच्छा लगता है ये। ये ब्लैक पेपर पाउडर है वो थोड़ा सा डाल दिया, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए ये सब चीज़ें। ये ओरिगेनो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये चाट मसाला, यदि आपके पास सैंडविच मसाला है तो वो डालिए, नहीं तो चाट मसाला डाल सकते हैं आप इसमें, वो मैंने डाल दिया इसमें। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए और अपनी रेडी हो गई है फिलिंग इसकी। ये मैंने 4 ब्रेड लिए स्लाइस। हाँ तो देखिए ये 4 लेयर का आपका, ये 3 लेयर का बनेगा, 4 ब्रेड से एक सैंडविच बनेगा, इसलिए इसका नाम बाहुबली सैंडविच बोला जाता है। अब मैं इसमें ये बटर है वो लगा रही हूँ इसमें। बटर आप अच्छे से लगाइए, इस सैंडविच में बटर बहुत अच्छे से लगता है, टेस्टी लगेगा खाने में आपको। देखिए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। ये बटर लगा दिया मैंने। और देखिए अब मैं इसमें ये ग्रीन चटनी बनाइए ये। हाँ, ये भी सैंडविच चटनी है वो बनाइए, वो इसमें लगाऊंगी अब मैं। तो कोई से भी ग्रीन चटनी आप कोई से कर सकते हैं, थोड़ी स्पाइसी साइड में रखिए बस। हाँ तो देखिए यहाँ पर अब हर ब्रेड में हम लगाएंगे, ये 3 लेयर का बनेगा, 4 ब्रेड से बनता है। अगर आप एक सैंडविच, इसलिए हम बोल रहे थे बाहुबली नाम है तो बाहुबली साइज का भी होना चाहिए ना, एक सैंडविच से गारंटी आपका पेट भर जाएगा। अब मैं इसमें ये जो स्टफिंग हमने तैयार कर ली हमारी वो इसमें लगा रही हूँ 1 ब्रेड स्लाइस में। ये देखिए ये लगा दिया इसमें। तो देखिए 1 लेयर हमारी लग चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब ये चीज स्लाइस है वो मैं इसमें लगा रही हूँ। अब इसमें ये दूसरी ब्रेड हम रख देंगे इसमें। तो ध्यान रखिएगा जो हमने बटर और चटनी की साइड ऊपर रखी है यहाँ पर। हाँ अब ये बॉइल्ड पोटैटो है, उसके मैंने गोल गोल रिंग काट लिए हैं, वो इसमें लगा रही हूँ मैं। तो देखिए बिल्कुल बाजार में आपको मिलता है ना सैंडविच, आप खा के आते हैं बाहुबली सैंडविच, अगर आप खाएंगे तो 400 रुपीज़ का मिलता है, पर देखिए घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है, हर फैमिली मेंबर के लिए बन जाएगा 400 रुपए में, ये हमारी गारंटी है। अब ये कैप्सिकम की शिमला मिर्च की रिंग बना ली है मैंने। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला है, सैंडविच मसाला जो भी है वो स्प्रिंकल करूँगी। एक चीज स्लाइस फिर रख दी है। और मम्मी ये ब्रेड कितनी फ्रेश लग रही है ना, बहुत फ्रेश है, ये टूटती नहीं है और सैंडविच आपका एज इट इज रहता है इसमें और खाने में बहुत टेस्टी है, तो मजा आ जाएगा खाने में, मजा आ जाएगा बनाएंगे ब्रेड का। देखिए एक्सपीरियंस है मम्मी को। मुझे याद है कि सैंडविच हमारे घर में हर संडे को बनता था और मम्मी को बहुत अच्छे से पता है कि सैंडविच कैसे अच्छा बनाया जाए। अब मैं इसमें एक ब्रेड स्लाइस और रख रही हूँ। वाह देखिए साइज देखिए, ऑलरेडी अगर हम आपको नीचे से दिखाएं तो साइज देखिए कितना बड़ा सैंडविच है ना, मुंह में पानी आ रहा है। तो लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट्स में जरूर बताइए, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। ये सैंडविच बनाना है बहुत आसान, बस आपको स्लाइसेस बना के रखनी है और बना दीजिए 4 से 5 सैंडविच और आराम से पूरी फैमिली मिलके खाएगी आपकी। ये मैंने कुकुम्बर की स्लाइस रख दी है कट करके। अब मैं इसमें ये चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, कुकुम्बर और अनियन दोनों रख दिया है, ये कर दिया है। अब ये ब्रेड स्लाइस में इधर रख दूंगी ऊपर। वाह ये हो गई 4 लेयर में हो गए अपना। अरे वाह देखिए बाहुबली सैंडविच। अब मैं ऊपर बटर लगा दूंगी इसमें। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ऊपर बटर क्यों लगाना है अभी आपको समझ आएगा, क्योंकि अभी हम इसको तवे पे सेकेंगे। इसको हैंडल करना भी अपने आप में चैलेंज होता है। ये मैंने गैस ऑन कर लिया है, इसके ऊपर पैन रख दिया है, वो पैन गरम कर लिया है। अब इसमें हम बटर डाल देंगे। तो देखिए अच्छे से बटर डालिएगा, सैंडविच बनेगा सुपर टेस्टी यहाँ पर। अब मैं मेरे इसमें बाहुबली सैंडविच रख रही हूँ बटर में। तो देखिए पहले ऊपर जो हमने बटर लगाया है उसको ऊपर ही रखना है हमें। तो मम्मी अब इसको कौन सी फ्लेम पे हमें सेकना है? इसको हमें मीडियम फ्लेम पर सेकना है और थोड़ा सा प्रेस करते रहेंगे। तो देखिए है ना ये शानदार रेसिपी, इसमें सब चीजें यूज हो गई है, वेजिटेबल से लेके पनीर तक आप आराम से खा सकते हैं। प्रोटीन भी है, सब्जियां भी है, टेस्ट भी है। बस इसको एक तरफ से थोड़ा सा अच्छे से सीख जाइए, फिर हम इसको पलट देंगे। अब ये सैंडविच हमारा कुक हो गया एक तरफ से, इसको हम पलट देंगे। तो देखिए हाथ लगाकर थोड़ा अच्छे से आपको पलटना है, ध्यान रखिएगा इसको। बाहुबली सैंडविच है। तो देखिए जब तक हमारा ये बाहुबली सैंडविच सिक रहा है तो मम्मी आपको मैं एक शानदार बात बताऊं। आपको पता है कि इंग्लिश ओवन की जो फाउंडर है मिसेस बेक्टर, उन्होंने भी अपनी कंपनी जो है 1970s में बैकयार्ड में स्टार्ट करी थी और आज उन्हीं मॉम को पद्मा श्री अवार्ड भी मिला हुआ है। और जायका का तड़का भी आज जो आपके सामने मॉम खड़ी है विजय हल्दिया जी, यानी कि मेरी मम्मी, उनकी वजह से स्टार्ट हुआ है। तो मम्मी पावर ऑफ मॉम्स कितनी अनलिमिटेड होती है, राइट? बिल्कुल, लेडीज जो भी ठान लेना तो उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, बस उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और जोश चाहिए, बस मेहनत और जोश चाहिए। तो देखिए एक माँ की तरफ से आप सभी को ये प्यार भरा मैसेज है, प्यार से कुकिंग करते रहिए, ठान लीजिए, मान लीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और आप भी कुछ भी कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। सैंडविच बन गया मम्मी, रेडी हो गया हमारा सैंडविच। तो देखिए बाहुबली सैंडविच अब हमारा यहाँ पर रेडी है। बताइए एक आप अच्छा कमेंट्स में बताइएगा कि आप पूरा एक सैंडविच खा सकते हैं या इसमें से आप ऐसे 2 सैंडविचेस अगर खा सकते हैं तो वो भी बताइएगा। तो देखिए अब आएगा इसमें मजा जब मम्मी इसको करेंगी, चीज इसके ऊपर भरपूर। अब ये प्रोसेस चीज है वो इसमें ग्रेट करके इसमें डाल रही हूँ। बाजार में भी डलता है ना, खूब सारा भर के डालते हैं वो, आप भी अपने हिसाब से डालिए। बाजार जैसा बनाना है आपको तो ज्यादा डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल देखिए प्यार से बन रहा है ये सैंडविच, आप भी अपने घर में जब इतने प्यार से बनाएंगे तो 400 रुपए क्या 4000 रुपए का ये सैंडविच, उससे भी ज्यादा महंगा होगा ये, क्योंकि माँ के प्यार की कोई कीमत नहीं होती। ग्रेट कर दिया है, वाह देखिए कितना मजेदार। अब मैं थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ, फिर थोड़ा टेस्ट के लिए, गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा आप यदि खाना चाहते हैं तो इसमें 0 नंबर की सेव या कोई भी नमकीन वो आप इसमें डाल लीजिए। देखिए मुंह में पानी आ रहा है, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा बाहुबली सैंडविच घर में कितना बनाना है आसान, बाजार में जाके खाते हैं इससे अच्छा घर में बनाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए पूरी फैमिली के संग। और अब मम्मी इसको कैसे सर्व करते हैं वो भी हमें दिखाइए, क्योंकि बाहुबली है तो ये सिंगल पीस उठाकर खाया नहीं जाएगा, इसके पीसेस कट करने पड़ेंगे अपने को। वो भी देखिए एक हाथ मम्मी ने लगाया है सैंडविच के ऊपर उसको स्टेबिलिटी देने के लिए और फिर कट कर रहे हैं, बड़ा चक्कू हो तो ज्यादा आसान होता है कट करना। और ये देखिए मैं बता रही हूँ मेरा तो पेट जब मैंने एक इसका 1/4 पीस खाया था उसी से पूरा भर गया था। बहुत हैवी होता है, बहुत टेस्टी होता है, पर एक के बिना मन नहीं रह पाएगा, आपको खाने ही पड़ेंगे मल्टीपल पीसेस। और देखिए वाह बाहुबली सैंडविच शानदार बन गया है ना, मन कर रहा है खाने का। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच मॉम फॉर अ वंडरफुल रेसिपी। बहुत मजा आया आज बाहुबली सैंडविच। मैं तो वेट नहीं कर सकती इसको खाने के लिए, जबकि मैंने अभी एक और खाया है इससे पहले। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। मिलेंगे दोबारा, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। बाय बाय एवरीवन।